हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल दीपक टेक्नोलॉजीज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने घर बैठे अपने जमीन के कागजात ऑनलाइन देख सकते हैं, या जो आंख तौनी की नकल होती है आप उन्हें कैसे अपने घर बैठे चेक कर सकते हैं, अपने खेतों के बारे में कैसे जानकारी ले सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी खतौनी, जो आपकी भूलेख होती हैं, जो आप तहसील से निकलवाने जाते हैं, तो आप उन्हें आसानी से घर बैठे ही देख सकते हैं ईजिली। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर भी नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे घर बैठे अपनी जो खेतों की जो जमीन होती है वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है या कैसे चल रही है, आप कैसे उसे आसानी से चेक कर सकते हैं इजीली ऑनलाइन अपने घर बैठे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने इंटरनेट वेब ब्राउजर पर। दोस्तों, सिंपली आपको क्या करना है, अपने इंटरनेट के वेब ब्राउजर सर्च बार में आपको टाइप करना है, सिंपली आपको टाइप करना है यूपी भूलेख। आपके सामने यूपी भूलेख की वेबसाइट खुल जाएगी। दोस्तों, सिंपली आपको इस वेब URL पर क्लिक करना है। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सिंपली आपको क्या करना है, आपका जो भी जनपद लगता है, मतलब आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट लगती है, आपको यहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ तो मैं अलीगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ सिंपली। अब आपको दोस्तों यहाँ पर अपनी तहसील चुननी है, जो भी आपकी तहसील लगती है। जैसे सिंपली मेरी तहसील गवाना है तो मैं गवाना सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी तहसील में गवाना में जो गाँव आते हैं, गवाना तहसील में गाँव आते हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ से अपने गाँव का पहला अक्षर टाइप करना है। मैं अपने गांव का सिंपली अक्षर से टाइप करता हूं दोस्तों। जैसे मेरा नाम शाहपुरा गांव है तो मैं शाहपुर पर क्लिक कर लेता हूं। तो ये देखिए यहां पे दोस्तों, अब अपने खसरा संख्या, जो भी आपकी खसरा संख्या है, आप उसका यूज करके आप यहां से आसानी से अपनी जो खतौनियां, आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप अगर आपके पास खसरा संख्या नहीं है तो आप खाता संख्या डालकर अपना जो भी है, अपना जो यूपी भूलेख है, आप उसे आसानी से चेक कर सकते हैं। खातेदार के नाम द्वारा जो खाता आपके रजिस्टर्ड है आपके खेतों में, जो आपके पिताजी के नाम पे हो या अपने चाचा के नाम पे हो या आपके पिताजी के नाम पे, आपके नाम पे हो या आपके पिताजी के नाम पर हो, तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे उनका नाम लिखना है और सिंपली उसे आसानी से खोज सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बस यही बताने चाह रहा था कि आप कैसे अपनी खतौनी, जो आप दोस्तों आपको तहसील जाना पड़ता है, बहुतों की तहसील बहुत दूर होती है, वहाँ पर आपको पैसे मांगने पड़ते हैं। दोस्तों, सिंपली क्या होना है, नहीं करना होता दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ से अपनी खतौनी निकाल लेनी है और आप उसको क्या सबमिट कर सकते हैं ईजिली। सिंपली क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे आपको पता चलता है कि तहसील में आपको मोहर लगा के देता है। दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये भी जो सिंपली होती है, सिंपली जो हमारी खतौनी होती है वो इंटरनेट से ही निकली होती है। दोस्तों, सिंपली आप इसमें भी आप इसे अभी आसानी से कहीं से भी डाउनलोड करके आप कहीं से भी इसका यूज कर सकते हैं, कोई आपको इसके लिए रोक सकता है दोस्तों। इसलिए मैं दोस्तों आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो बहुत ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो साथ ही हमारी इस वीडियो से आपको जो भी क्वेश्चन है आप उसे मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं जल्दी उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।